गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड योर टॉपिक इज कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड योर आइडियाज sharing of thoughts and ideas with each other, ठीक है? हम लोग एक दूसरे के साथ each other, यानी कि जब हम लोग आपस में जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपस में जब हम लोग दो तीन चार लोग बैठ के जब बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी मैं आपसे अगर सामने बात कर रही हूँ, हम लोग आराम से एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं। अगर कोई पर्सन बहुत डिस्टेंस में, सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ और हमारे कोई रिलेटिव है जिनसे मुझे बात करनी है, जिनसे मुझे अपने कोई थॉट्स हैं, कोई अपनी बात को शेयर करना है और वो किसी दूसरे शहर में है, तो हमारे लिए डेटा यानी कि हमें अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जिनके थ्रू हमारा कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए, कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो, या जो हमारे विचार है वो उन तक पहुंच जाए, ठीक है? तो वो जो आपका जो शेयरिंग ऑफ थॉट्स है विद द हेल्प ऑफ मीडियम, आपको वो जो मीडियम, किस मीडियम के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था या हमारे जो थॉट्स हैं, वो विचार जो है किसी दूसरे तक जा रहे थे, तो हमारे पास जो बहुत पहले जो हमारे पास जो फैसिलिटी थी वो ये थी कि पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के समय में एक जो है उनका कोई भी एक नौकर जो होता था वो एक पत्र वो लिखते थे और दूसरे स्थान पर देने जाते थे। यानी कि क्या होता था, जो वो इंसान है, वो एक व्यक्ति जो है वो खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो लेटर जो है या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाता था, ठीक? या पहले, बहुत पहले, बहुत ही पहले, बहुत जो है वो कबूतर वगैरह जो थे, ये आपके जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते थे। लेकिन इन सारी चीजों में, या जैसे हम लोगों को ये पता है जो पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन जो था हमारा पोस्ट ऑफिस में, पोस्टमैन भी जो है वो हमारे जो लेटर्स हैं, जो हमारे लेटर होते थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, पहले हम लोग कोरियर ही तो करते थे, हम लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया, इस तरह से ये प्रोसेस आज भी है, ठीक? तो ये इसमें क्या होता था, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचते थे। तो ये जो भी हमारा जो डेट, जो हमारे थॉट्स हैं, जो डिलीवरी हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, ठीक है? यानी कि वो जो इंसान, जो कबूतर एक उसका माध्यम हो गया, एक जो राजा का नौकर था वो हो गया, या पोस्टमैन, ये तीन जो है आपके टाइप हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था। पर ये सारी चीजें हमारी अब नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैनुअल पावर लग रही थी और डेटा आपका जो भी हमारी सूचना थी वो समझ पर नहीं पहुंच पा रही थी। इन सब को रिजॉल्व करके, दूर करके एक इंफॉर्मेशन फिर आपकी, इस तरह से एक नई टेक्निक आई जिसे हम लोग कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता था, इन टेलीकम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, यानी कि आपका जो डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट in the form of signals from one place to another, clear? एक जगह से दूसरी जगह पर, या one person to another person, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ place ही नहीं होगा, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पर भी के साथ जो communication हो वो जो है वो किस तरह से हो रहा है, आपका जो भी डेटा यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, उस सिग्नल के रूप में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है।
पर हमको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग टेलीफोन में बात करते हैं तो आपने देखा होगा टेलीफोन की लाइन एक बिछी होती है, आपके घर आप मोबाइल में हम लोगों को टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जो पहले हमारे पास जो एनालॉग वाले जो टेलीफोन हुआ करते थे उसमें हमारे घर में एक, जैसे आपके घर में वायरिंग के लिए वायर्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वैसे ही हमारे घर में एक टेलीफोन का भी एक कनेक्शन आता था। बाहर उसके खंभे लगे होते थे, वायर्स होते थे और वो आपके घर में आता था। वायर के थ्रू हमारे यहाँ उस टेलीफोन पे हम लोग उसको वायर को कनेक्ट करते थे, फिर हम बात कर सकते थे। तो क्या उस वायर में हमारी आवाज जो है वो फ्लो हो रही, ऐसा नहीं होता था ना। हमारा जो भी वॉइस है वो उस एनालॉग सिग्नल में, वो सिग्नल में कन्वर्ट होता था और उस वायर में जो है वो सिग्नल के फॉर्म में हमारी जो वॉइस है वो जा रही है, ठीक। लेकिन जब हमको जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला, दूसरी तरफ कोई और है, उसने हमारी जो वॉइस को रिसीव किया, वो जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वो वैसे ही वो रिसीव कर रहा है, ठीक। तो यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में क्या था, आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका फॉर्म नहीं चेंज होता था, लेकिन जो डेटा जब आपका फ्लो होता था वन प्लेस टू अनदर, तो जो वो फ्लो हो रहा है वो जो है वो सिग्नल के फॉर्म में फ्लो हो गया। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया आपका, कि जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है विच इज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड कौन कौन सी है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। There are three components of telecommunication network. First is the audio communication, second is the video communication, and third is data communication. What is the audio communication? Transmission of information in the form of audio signal. यानी कि आपका जो data transmit हो रहा है वो in the form of audio signal, वो audio signal के रूप में हो रहा है, it is called the audio communication. इनके एग्जाम्पल्स क्या है आपका, टेलीफोन एंड रेडियो। आपने देखा होगा जब हम लोग टेलीफोन में बात कर रहे हैं, आज तो हम लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, दिस इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक। मोबाइल तो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जब हम लोग टेलीफोन में बात करते थे तो हम लोग किसी का फेस नहीं देख पाते थे, सिर्फ हमारी जो आवाज है वही तो ट्रांसमिट हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि डेटा ट्रांसमिट किस फॉर्म, यानी कि जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म, ठीक। तो यानी कि आपका क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सिग्नल इज कॉल्ड ऑडियो कम्युनिकेशन, क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है, टेलीफोन एंड द रेडियो। नेक्स्ट इज द वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका टीवी ही है, ठीक है। यानी कि आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो आपकी जो भी सूचना है उसको किस फॉर्म में, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मूवी पिक्चर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट किस में हो रही, मूवी के फॉर्म में। तो अगर हम लोग देखें, अब हम लोग जो जैसे हम लोग तो मोबाइल पे किसी से आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, पर टीवी में ऐसा नहीं होता था ना। टीवी में हम लोग क्या करते थे, हमें ऑडियो और वीडियो दोनों मिलता है, हम टीवी में वॉइस भी सुनाई पड़ती है और हमको क्या होता है उसमें हम लोगों को पिक्चर के थ्रू जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों के फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए हम लोग वीडियो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मूवी पिक्चर्स एक्सेट्रा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड वीडियो कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल आपका सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहला तो आपका है एग्जाम्पल इसमें टेलीविज़न जो है वो आपका सबसे मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। जो सैटेलाइट टीवी है ये भी आपका जो और इसमें जो आपका वीडियो कम्युनिकेशन में जो मीडियम होता है वो क्या होता है, आप जो टीवी जो है वो टीवी में जो सिग्नल है वो किसके थ्रू आ रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखें तो पहला तो आपका केबल होती है, ठीक है। और अब सबके घर में, पहले हम लोग एक एंटीना लगाते थे, एक ट्रांसमीटर होता था घर में, एंटीना लगाया जाता था जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर, जो सिग्नल को रिसीव करता था और हमारे टीवी में हमको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करता था। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोगों ने केबल ऑपरेटर्स जो है वो हमारे यानी कि विद द हेल्प ऑफ केबल विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट जो है वो हम लोग सारे चैनल्स जो है अपने या सारी इंफॉर्मेशन हमारे टीवी पे आती है। ठीक, नेक्स्ट अब आपका है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जो इस समय जो मॉडर्न एरा में आपका जो इस समय जो कम्युनिकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है या लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन है वो डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द किस तरह के सिग्नल में, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे इसका मेन जो है वो आपका क्या है, डिजिटल सिग्नल। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स इसमें होगा, बट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। और आपका इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग किस तरह से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारे पास मेल आ रही है, ठीक है, हम लोग मेल दे रहे हैं, या मान लीजिए आज आप हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी और हमने तुरंत ही जो है वो कि अपने किसी रिलेटिव को हमने वो मूवी बना के या आपने उसका पूरा जो है वो पिक भेजी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो आपका डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह से बच्चों आज आप लोगों को ये कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ये क्लियर हो गया। आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड द टेलीकम्युनिकेशन। द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन एंड द डेटा कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।